सो इसके पहले मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव पे एक पैनल होस्ट किया था और देखा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत फायरी डिबेट हुई थी तो अब दूसरा जो चुनाव आजकल लोगों के जहन में है वो है पंजाब का चुनाव और uh, पंजाब का चुनाव इसीलिए जहन में है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक न्यू एंट्रेंट के रूप में और बिगेस्ट चैलेंजर फॉर द कांग्रेस पार्टी के रूप में को चैलेंज दे रही है पंजाब के अंदर और अगर मैं कहूँ इस चैलेंज के फोरफ्रंट पे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के अलावा के कोई है तो वो है राघव चंडा और अभी भी राघव चंडा स्पेशली पंजाब से यहाँ पे आ रहे हैं तो राघव मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जब से आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी जी को सैंड माइनिंग के एलिगेशन्स में ये आपने कहा है कि चन्नी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर आपने एक लाइव रेड कर दी थी उसके बाद से चन्नी जी आपको डायरेक्टली अटैक करते जा रहे हैं और आपने तो ये तक तो कह दिया कि जो पंजाब के अंदर खनन माफिया है उसको चलाने वाले चीफ मिनिस्टर हैं उनको चीफ मिनिस्टर का हाथ है तो ये इतने बड़े एलिगेशन के आपका कोई प्रूफ है या सिर्फ ये एक चुनावी एलिगेशन है देखिए पंजाब में नजायज़ रेते की माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सालाना रेते की चोरी से पंजाब सरकार को सूबे की सरकार को लगभग बीस हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होता है और ये बड़े सारे नेता हैं पंजाब के कई सारे विधायक हैं पंजाब के जो अपने क्षेत्र में अपने हलके में अपनी विधानसभा में ये नजायज़ रेते की माइनिंग करते हैं चोरी करते हैं मुख्यमंत्री से यह उम्मीद नहीं करी जाती कि मुख्यमंत्री चोरी करे मैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो पंजाब सूबे के मान्योग मुख्यमंत्री हैं उनके अपने हलके श्री चमकौर साहब में गया और वहां पर एक जिंदापुर गांव है जिंदापुर पिंड है वहां पर सरेआम दरिया के किनारे नजायज रेते की माइनिंग चल रही थी मैं अपने साथ पंद्रह बीस पत्रकारों को भी लेकर गया और एक लाइव रेड हमने वहां पर करी और ये पाया कि दरिया के किनारे टिप्पर लगे ट्रक लगे और एक नजायज रेते की माइनिंग चल रही थी जिससे उसी उसी माइनिंग साइट से रोजाना के 700 से 800 ट्रक भर के रेता ले जाया जाता है अब यह बताएं कि मुख्यमंत्री के अपने हलके में जिस हलके से वो विधायक कई बार बने उनकी हलके में अगर नजायज रेते की माइनिंग चल रही हो और मुख्यमंत्री को ना पता हो ऐसा तो हो नहीं सकता तो इसका मतलब यह है कि रेते की माइनिंग से जो पैसा आता है वो ऊपर तक जाता है वहां के क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री तक जाता है और पूरी कांग्रेस पार्टी और खास करके चन्नी साहब लगातार ये कहते रहे कि हम रेता सस्ता करेंगे रेते की चोरी बंद करेंगे जब मुख्यमंत्री बने तो चन्नी साहब ने कहा मैं रेते माइनिंग का सैंड माफिया का चीफ मिनिस्टर नहीं हूं सैंड माफिया मेरे पास ना आए वो मुख्यमंत्री सैंड माफिया के ना हो लेकिन वो खुद अगर सैंड माफिया बनकर पूरे पंजाब में काम करेंगे

मैंने सूचना दी अब अपने ऊपर एफ दर्ज कराओ अगर मुख्यमंत्री इतने निष्पक्ष हैं तो चन्नी सरकार को चन्नी साहब को सबसे पहली एफआईआर रेते की चोरी की नजायज माइनिंग की अपने खिलाफ दर्ज करानी चाहिए वो तो नहीं कराते लेकिन एक ड्रामा रचते देखिए चन्नी साहब का क्या है आप भी बड़ी क्लोजली पंजाब पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं वो कहीं पर भी जाते हैं एक तो नौ कैमरा चार ड्रोन तीन मेकअप आर्टिस्ट और दो वारोब जो कपड़े बदलने के लिए उनके जो सहयोगी होते हैं वो साथ होते हैं पूरा उनके साथ ये काफिला चलता है और जगह जगह कपड़े बदल बदलकर अच्छे खेतों में इधर उधर जाकर वो फोटो में खिंचवाते हैं सुबह से शाम तक सिर्फ फोटो और वीडियो बनवाते हैं और कोई काम नहीं करते और उन्हें लगता है कि अच्छे फोटो होर्डिंग लगाकर अच्छी इश्तेहार देकर अखबारों में उनको वोट मिल जाएगा लोग आज पंजाब की जनता कांग्रेस से पूछती है कि पौने पांच साल आपने कोई काम नहीं किया एक पेज के मैनिफेस्टो में से उनतीस वादे भी लागू नहीं करे अब क्या ये सत्तर अस्सी दिन की वीडियो और फोटो दिखाकर हमसे वोट लेना चाहते हो आ, पर राघव जी आ, चनी जी चनी साहब कहते हैं कि वो एक कॉमन मैन है और वो पंजाब के कॉमन मैन है इसीलिए आप उनको अटैक कर रहे हैं और आप लोग बाहरी पार्टी हैं और आप पंजाब के बाहर के दल हैं और आप आउटसाइडर हैं ऐसा उनका एलिगेशन रहते हो कहते हैं कॉमन मैन है, है इसीलिए उन पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं और मैं ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्यों हो गया है क्योंकि अब आपके और चन्नी जी के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप है वो बड़ा निजी हो चुका है आपने ये तक कह दिया कि उनने आपके समाज को अटैक किया था एग्जैक्टली exactly क्या चल रहा है अब देखिए अब चन्नी साहब इतना घबरा गए बौखला गए कि मैंने उनके हल्के में जाकर एक रेता माफिया पे रेड कर दी कि उन्होंने मुझे और मेरे समाज को पूरी खतरी समाज को अपशब्द कहे अपमानजनक चीजें कही खतरी समाज पंजाब का एक अभिन्न अंग है खतरी समाज के लाखों लोग लाखों परिवार पंजाब सूबे में रहते हैं और बड़े अमन प्यार शांति भाईचारे के साथ रहते हैं आज अगर वो मेरे पूरे समाज को गाली देते हैं मुझे कुछ अपमानजनक चीजें कहते हैं ये मैं और मेरा समाज नहीं सहेगा मुझे उस दिन चन्नी साहब के बयान के बाद कई बड़े बड़े खतरी समाज के लोगों के फोन आए पूरे पंजाब भर से आए और सबने कहा कोई खत्री महासभा का अध्यक्ष था कोई फलाना एसोसिएशन के सचिव थे सबने फोन कर कर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि चन्नी साहब ने खत्री समाज के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल गलत है हम इसे सिरे से खारिज करते हैं तो समाज को गाली नहीं देनी चाहिए उनकी दुश्मनी मुझसे वो मेरे बारे में कहें और दूसरी चीज देखिए अली बाबा चालीस चोर में से अगर आप अली बाबा को बदल दें चालीस चोर तो वही है ना आपने कैप्टन अमरिंदर को हटाकर एक नए अली बाबा को आप ले आए चन्नी साहब के रूप में कांग्रेस वही रेता चोरी वही सारे विधायक वो तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सारे पाप धुल गए लोग आज भी हिसाब मांगते हैं कांग्रेस पार्टी ने कहा था कांग्रेस ने सौ चुकी घर घर नौकरी पक्की और कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस पार्टी ने जॉब कार्ड पूरे पंजाब के यूथ को बांटा था सिद्धू साहब उसका प्रचार करते थे चन्नी साहब घूम घूम कर पूरे द्वाबे के इलाके में मालवे के इलाके में वोट मांगते थे अब आज लोग उन्हीं से पूछते हैं भाई वो जॉब कार्ड तो आज भी हमारे वॉलेट में पड़ा है बटुए में है पर वो जॉब तो दे दो वो नौकरी तो दे दो पर नौकरी आपने भी, भी नहीं तो तो साहब बात करी सिद्धू तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस के बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये दिल्ली की सच्चाई है तो सिद्धू साहब तो दिल्ली तक ट्रैवल कर चुके हैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में देखिए देखिए सिद्धू साहब ने मुझे लगता है मैंने उन्हें एक बार कहा था दट इज द राखी सावंत ऑफ पंजाब पॉलिटिक्स बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई कंट्रोवर्सी भी हुई लेकिन मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो बड़े ड्रामे के शौकीन हैं उन्हें थिएट्रिक्स बड़े अच्छे आते हैं और वो बस वहीं तक सीमित रहते हैं मुझे लगता है वो बहुत अच्छे बहुत अच्छे स्पीकर हैं कलाकार अच्छे हैं फिर से अगर टी जगत की दुनिया में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे मुझे लगता नहीं कि सियासत में अब लोग नवजोत सिंह सिद्धू साहब को बड़ी गंभीरता से लेते हैं मैं भी नहीं लेता ज्यादा गंभीरता से उन्हें देखिए आप जो कह रहे हैं राघव आप ये कह रहे हैं कि जैसे समझ पा रहा हूँ कि बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी और चन्नी साहब के विरुद्ध तो अगर इतनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर आम आदमी पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देती क्योंकि ये मन में है और अगर आप पास्ट इलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे पिछली बार कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे मिला था अभी अब कांग्रेस पार्टी ने चन्नी साहब को प्रोजेक्ट किया है तो आम आदमी पार्टी किसी को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही कि अगर उस प्रोजेक्शन में राघव चड्डा का भी नाम है नहीं नहीं मेरा नाम नहीं है मैं आपको बता देता हूं आ, हर पार्टी का यह अधिकार होता है कि वो किस समय अपनी चुनावी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है उनका नाम को ऐलानें उसके नाम का ऐलान करें ये हमारी अपनी पोलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है बड़ा खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है एक साल पहले सीएम कैंडिडेट अनाउंस करने का और चुनाव से एक हफ्ता पहले अनाउंस करो तो भी खामियाजा भुगतना पड़ता है तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है मैं बस इतना कह सकता हूं और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर आ, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह बात पंजाब की आवाम को कही कि हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा हमारे उसका नाम ऐलान कर चुनाव लड़ेंगे वो व्यक्ति पंजाब से होगा

मैं न्यूज रिपोर्ट में तो देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह में जा रहे हैं तो अभी भी क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हो कर रहे हैं तो जरा आप नाम का थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए लोगों के सामने देखिए चार कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर्स चार बड़े मंत्रियों ने हमसे संपर्क किया मुझसे निजी तौर पे किया और पार्टी बदलने की इच्छा जाहिर करी उन्हें समझ में आ गया माहौल से जो जो शख्स पंजाब में घूमता है आप भी अब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप जाकर सर्वे भी करेंगे माहौल भी जानने का प्रयास करेंगे घूम के पता लग जाता है कि हवा का रुख किस ओर है तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई हवा का रुख तो इस बार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और झाड़ू की ओर है तो उन्होंने हमें संपर्क किया लेकिन उनमें से कई लोग दागी थे कईयों पर रेते की चोरी के सैंड माइनिंग के इलीगल माइनिंग के आरोप थे तो हमने उन्हें मना कर दिया हमें ऐसे लोग अपनी पार्टी में नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग जरूर चाहिए जिनका दिल पंजाब के लिए धड़कता हो लेकिन जो रेत माइनिंग करते हो माफिया चलाते हो ऐसे लोगों से हम बच के चलते हैं तो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो समझ गए मैं किनके बारे में मैं मैं बात कर मैं रहा हूं। ये क्या फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स थे कि ये पहले भी नहीं, नहीं, इतना

माफ करूंगा बिजली बिल जीरो आएंगे पंजाब की आवाम के जब मेरी सरकार बनेगी चन्नी साहब ने भी अगले दिन अनाउंस कर दिया पर वो तो मुख्यमंत्री हैं वो लागू कर सकते थे एक भी व्यक्ति पंजाब में ऐसा नहीं है जो अपना बिजली का बिल दिखाए और कहे मेरा बिल जीरो आया अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं स्कूल अस्पताल बढ़िया करूंगा चन्नी साहब कहते हैं मैं भी करूंगा करके तो दिखाओ नानी याद आ जाएगी देखिए अरविंद केजरीवाल जी के ऐलानों की कॉपी कर कर उन्हीं चीजों को ऐलान कर देना बड़ा आसान है अनाउंस करना आसान है उन चीजों पे अमल करना मुश्किल है इसलिए हम कहते हैं कि केजरीवाल की नकल आसान है उनके कामों पर अमल करना बड़ा मुश्किल है वो चन्नी साहब नहीं कर पाते और बहत्तर दिन की रिपोर्ट कार्ड आज से दो हफ्ते पहले चन्नी साहब ने जारी करी बहत्तर दिन की पांच साल की रिपोर्ट कार्ड की जगह बहत्तर दिन की रिपोर्ट कार्ड जारी कर कर कहते हैं कि मुझे एक बार फिर से वोट दे दो मुझे फिर से एक बार सरकार में आने का मौका दो बहत्तर दिन की वोट रिपोर्ट कार्ड पे लोग पांच साल का आप हिसाब कम है आप देख सकते हैं कि और चुके, पर मैं पूछना चाहता हूं, कितनी सीटें लेके आने वाले आंकड़ा दीजिए जैसे अमित शाह जी से जब मैं पूछते हुए आंकड़ा पार कर देते हैं जब दिल्ली का चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था आंकड़ा दिया था आप आंकड़ा दे दीजिए मुझे पंजाब के सह प्रभारी जिम्मेदारी से कह रहा हूं तीन चौथाई बहुमत से थ्री फोर्थ मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी पंजाब में और मैं पंजाब में जहां जहां जा रहा हूं अब तो करीबन एक साल से मैं चुनावी तैयारियों में लगा हुआ हूं हूं जिस हूं, जिस पिंड जाता हलके में जाता हूं एक ही आवाज आती है कि इन सारी पार्टियों को हमने ट्राई करके देख लिया रि, रिवायती अकाली दल कांग्रेस बीजेपी अब एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है एक मौका केजरीवाल न